अच्छा वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन के कर्टन के डिज़ाइन, लेके आई हूँ जो सिंक के पीछे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं कर्टन के डिज़ाइन, कर्टन जो हम लोग लगाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। इस एक वीडियो में आप लोगों को किचन की सेटिंग भी देखने के लिए मिलेंगी, कर्टन के डिज़ाइन भी देखने के लिए मिलेंगे, एंड जो एडजस्टमेंट होती है किचन की सिंक की वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाले जो कर्टन है स्पेशली किचन के लिए है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो कैबिनेट होते हैं उनके भी देखने के लिए मिलेंगे, सिंक के पीछे जो लगाए जाते हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे, और किचन के कर्टन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुत जबरदस्त वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दें और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वैसी ही वीडियो लेके आऊंगी, बिकॉज मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सी जो फैशन की अपडेट्स हैं, ब्यूटी टिप्स हैं, एंड जेंट्स की मेल्स किड्स की ड्रेसेस, ईस्टर्न वेस्टर्न इवन के मच मोर आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। सो नई नई इंफॉर्मेशन के लिए, नई नई अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच दी रहे। सो डियर फ्रेंड, इसमें इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूनिक कर्टन के डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं किचन की। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे एयर्स का जो रुख होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर विंडोज़ ओपन हो, ठीक है। तो बेटर यही है कि हम लोग कर्टन की एडजस्टमेंट कर दें विंडोज़ के साथ कर दें, और स्पेशली जहाँ पे सिंक लगा होता है तो पीछे से हमारी जो विंडोज़ होती हैं या मिरर जो लगे हुए होते हैं या हमारी दीवार जो होती है तो वो गंदी हो जाती है सिंक जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, सोप के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। तो हमारी जो दीवार होती है वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एडजस्टमेंट कर देते हैं, हम लोग कर्टन लगा देते हैं इस वजह से कि हमारी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल कवर रहें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें, और हमें बार बार पेंट करवाने का तरद्दुद भी ना करना पड़े। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कर्टन लगा लें, और जब हम लोग अपने किचन में कर्टन लगाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक लुक आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक आती है। और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी कर्टन लगाया जाए, जैसी हमारी किचन की एडजस्टमेंट होती है, जिस कलर में हमारा किचन डेकोरेट किया गया है, जिस कलर का पेंट किया गया है हमारे किचन में, सेम हमारा कर्टन जो है वो भी सेम वैसा ही हो। बिकॉज अगर हम लोग किसी और कलर का लगा देते हैं जो हमारी वॉल्स के साथ मैचिंग नहीं करता या किचन की जो एडजस्टमेंट होती है उसके साथ मैचिंग नहीं करता तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा। इस वीडियो में आप लोग देखिए हर चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। इसमें आप लोगों को डियर फ्रेंड्स किचन के आइडियाज़ भी देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली जब हम लोग न्यू घर बनाते हैं, किचन की सेटिंग करते हैं। तो किचन जो होता है हमारे घर का एक मेन पार्ट होता है, किचन जितना प्यारा होगा, हमारा जो रूम है किचन जो है वो हमारा घर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि औरत का सलीका जो है वो किचन में ही नज़र आता है। और जो कर्टन है सिंक के पीछे लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विंडोज़ में लगवाना ज़रूरी है, डोर के आगे लगवाना ज़रूरी है। तो किचन में कर्टन जो है वो मस्ट होना चाहिए, बिकॉज जब गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ आ जाती हैं तो इसके लिए कर्टन का यूज़ जो है वो हर हाल में करना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी जो खाना पकाने वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये गंदी चीज़ें आके बैठती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है, इससे जर्म्स हो जाते हैं और हम लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो बेटर यही है कि हम लोग कर्टन का यूज़ करें, कैबिनेट के आगे पर लगा दें हम लोग कर्टन, विंडोज़ में लगाएँ, डोर के आगे हम लोग लगाएँ। सो किचन को हम लोगों को बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए कि हमारी खाने पीने की
अशिया जो है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। इसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है और हम लोग बीमार हो जाते हैं। सो अपने आप को कवर रखें, खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए आप लोग कर्टन का यूज़ कीजिए। इसे वीडियो में आप लोगों को किचन की जो सेटिंग है वो भी देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो हम लोग हल्के फुल्के से डेकोरेशन पीसेज रख लेते हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। कैबिनेट जो है वो किस तरह से सेट करने हैं, कहाँ करने हैं, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कर्टन की सेटिंग भी, सिंक की सेटिंग भी, इवन के इस एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मच मोर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप लोगों को सिंक के जो डिज़ाइन है नए नए वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। कर्टन के डिज़ाइन भी हैं इसमें, जिसका ये देखें, ये वाला जो किचन है वाइट कलर की, इसके कैबिनेट हैं वाइट कलर का पेंट है, और जो यूज बर्तन है इसमें, बर्तन और कर्टन का सेम डिज़ाइन है इसमें। अगर आप लोगों के बर्तन जो हैं वो किचन में हमेशा अच्छे अच्छे खूबसूरत से बर्तन रखने चाहिए, जैसे हम लोगों के बर्तन हो उसके साथ के भी आप लोग कर्टन ले सकते हैं, और जिस किस्म की हमारी सेटिंग होगी उसके साथ के कर्टन भी आप लोग लें। मैचिंग करके रखेंगे तो हमारे जो किचन है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही ज्यादा फैबुलस लगेगा। हमेशा यही कोशिश कीजिए कि हमारा जो किचन है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो, बहुत अच्छा हो। देखने वाला जब हमारे किचन को देखे तो वो देखता ही रह जाए कि यार देखो इस औरत का सलीका जो है वो किचन में ही, क्योंकि एक जो लड़की होती है उसका सलीका डियर फ्रेंड्स किचन में ही देखने के लिए होता है कि उसने अपने किचन को साफ रखा हुआ है या गंदा रखा हुआ है। तो अपनी किचन की सफाई के लिए सबसे बेटर है कि आप कर्टन का यूज़ कीजिए। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, हर सिंक के पीछे जो है वो कर्टन लगे हुए हैं, विंडोज़ में कर्टन है, उसके अलावा जो कैबिनेट नीचे बने हुए हैं वहाँ पे कर्टन लगी हुई हैं। तो इस एक वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे। आप भी अपने किचन को इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हल्की फुल्की सी उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं, कर्टन्स लगा सकते हैं, उसमें कैबिनेट लगा सकते हैं, और कैबिनेट का कलर जो है वो भी कर्टन के साथ का होना मस्ट है। इस तरह से आप लोगों के किचन की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी डियर फ्रेंड्स। तो ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए, नए नई जो अपडेट्स हैं वो देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, आपके एक बटन क्लिक करने से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और साथ अगर जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की वीडियोस चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए सेम वैसी ही वीडियो लेके आऊँगी। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और बेनिफिट देने वाली वीडियोस बनाऊँ, और एक वीडियो में आप लोगों को जिस चीज़ की मैं वीडियो बना रही हूँ उससे रेलिवेंट आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलें, बहुत ज़्यादा आप लोगों को आइडियाज़ मिलें डियर फ्रेंड्स। सो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ का जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहेगी। फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी कर्टन का डिज़ाइन जो है वो रह ना जाए। बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग और बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसमें देखिए बिल्कुल छोटे छोटे कर्टन का यूज़ कर दिया गया है, ऊपर से विंडो जो है वो बिल्कुल खाली, और नीचे वाली साइड पर जहाँ पर सिंक लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कर्टन लगाए गए हैं। जब ये कर्टन लगाए जाते हैं तो इसका मेन मकसद यही होता है कि अक्सर हम लोग जब बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक में रख देते हैं बर्तन हम लोग, तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि वॉश कर लेंगे, ठीक है। तो विंडोज़ से बाहर से बहुत ज़्यादा जर्म्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो बर्तन है वो गंदे हो जाते हैं, और हमारी हेल्थ भी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है, क्योंकि हम लोग जब सिंक में बर्तनों का बहुत ज़्यादा झुमगट्टा बना के रख देते हैं तो जाहिर सी बात है जर्म्स जो है उनके ऊपर बैठते रहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सिंक के पीछे एक कर्टन होना चाहिए, जो जब हम लोग उसमें बर्तन रख देते हैं तो कर्टन जो है वो आगे कर देना चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी जर्म्स जो है हमारे बर्तनों पर ना आ सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो कोरोना का सीज़न चल रहा है इसमें जर्म्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो हमेशा यही कोशिश कीजिए कि अपने किचन में कर्टन का जो यूज़ है वो आप लोग हमेशा करें, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
इससे आप लोगों की हेल्थ भी मुतासर नहीं होगी और आप लोगों को जो खाना है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो कैबिनेट है वहाँ पे भी आप लोग कर्टन का यूज़ कीजिए और विंडोज़ पे भी यूज़ कीजिए, डोर के साथ भी आप लोग यूज़ कीजिए। अगर आप लोग किचन में कर्टन लगाएंगे तो आप लोगों की हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। डियर फ्रेंड्स, तो कर्टन जो है वो मेन चीज़ है आपके किचन का और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए वाइट कलर के हैं और इनके साथ कर्टन भी जो है वो जैसे इनकी वॉल्स पे टाइल्स लगी हुई हैं तो सेम इस कलर का कर्टन लगाया गया है। और ये देखिए सिंक के नीचे जो जगह बनी हुई है वहाँ पे भी इसको कवर कर दिया गया है कर्टन लगा के, इसमें से जो हमारा सिंक का पाइप वगैरह है वो नज़र ना आए। और आप लोग देखिए कि कितना ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश। और आप लोग अगर अपने किचन में कोई गुलदान वगैरह रखते हैं तो उसका कलर भी जो है वो आपके किचन के साथ मैच होना चाहिए, आप लोगों के किचन में बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी डिज़ाइन जो है रह ना जाए। इसमें से आप लोगों को कोई भी किचन का डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो आप लोग उसका स्क्रीन शॉट लें और आप लोग सेम अपने किचन की डेकोरेशन ऐसे ही करवा सकते हैं, ऐसे ही कर्टन ले सकते हैं, ऐसे ही कैबिनेट बनवा सकते हैं, ऐसे कैबिनेट के आगे आप लोग कर्टन लगवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इससे एक वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे आप लोगों को आइडियाज़ मिल रहे हैं इसमें। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार फिर याद दिला दूँ, डियर फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंच ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।